लगातार दिल्ली नगर निगम की बात करें तो सदन के अंदर हंगामा करके और टाइम खराब किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर विकास ठप पड़ा है। हमारे बीच में निगम पार्षद करदमपुरी वार्ड से मुकेश बंसल साहब है। मुकेश जी, कल क्या हंगामे के वजह बनी? और कोई पूछने वाला हो, एमसीडी दिल्ली की है या देश की है? उन्होंने सबसे पहले शुरू में बात रखी है मणिपुर की। हमने बोला है मणिपुर के लिए, देश के लिए संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, आपके वहां सांसद है, वहां वो बात उठाएंगे। आप दिल्ली की बात करो ना, दिल्ली में बाढ़ क्यों आई है? दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं, घट रहे हैं, गली गली में कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। अब उसकी बात करें, जब दिखाई दिया कि नहीं सुन रहे हैं, हंगामा होना ही था, 15 मिनट के लिए सस्पेंड कर, उसके पश्चात 15 मिनट में फिर शुरू हुआ दोबारा फिर मौन। जबकि सदन में आज तक भी हिंदुस्तान के किसी भी नियम के अनुसार केवल एक बार मौन होता है, जो हमारे क्षेत्र के या हमारी दिल्ली के लोकसभा में देश के लिए होगा, दिल्ली में दिल्ली के लिए होगा। लेकिन ये लोग देश की राजनीति कर रहे हैं, ये दिल्ली की राजनीति नहीं कर रहे, क्योंकि क्या मुंह दिखलाएंगे जो कूड़े के पहाड़ हैं। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, अपनी विधानसभा की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ 4 ढलाव बंद हो गए, एक भी कॉम्पैक्टर मशीन नहीं लगी। यदि कॉम्पैक्टर मशीन नहीं लगेगी, ढलाव हो गए बंद, तो टिप्पर वाले जो कूड़ा डालने जाते हैं वो दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। जो आधा घंटे का रास्ता कवर करके लौट के आ जाते थे, वो 1.5 घंटे में आएंगे, 2 घंटे में आते हैं। जब 2-2 घंटे में टिप्पर भर के लौट के आएगा, तो जो टिप्पर 8 चक्कर एक वार्ड में लगाते थे, क्षेत्र से मशीन तक या ढलाव तक लगाते थे, उनके 4 या 5 वार्ड केवल चक्कर रह गए हैं। और यदि 6 तो वाहन है केवल, पहले 8-8, 10-10 वाहन चलते थे, वाहन से मतलब टिपर की बात कर रहा हूँ, अब वे 6 मैक्सिमम 6, मैं जल नेपाल की बात कर रहा हूँ, मेट्रो वेस्ट कंपनी के माध्यम से केवल 6 टिपर है। ढलाव हो गए बंद, कॉम्पैक्टर मशीन लगा नहीं रहे, तो ये कूड़ा कहाँ जाएगा? कूड़ा क्षेत्र में पड़ा हुआ है, लोग बाग सुबह सुबह हमको वीडियो बनाकर भेजते हैं, हम लोग इनसे बात करते हैं, डीसी को बोलते हैं, डीसी कहते हैं कमिश्नर के पास जाए, कमिश्नर के पास जाते हैं, वो कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी बन जान दो, स्टैंडिंग कमेटी भी बन नहीं रही है। मुकेश जी, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आप लोगों के कपड़े फटना भी इस हिसाब से लाजमी है? देखिए, ऐसा है, हमारा प्रयास पूरा ये रहेगा, क्योंकि आम पब्लिक को नहीं पता, आम पब्लिक को नहीं पता ना प्रैक्टिकल क्या है। अब कोई कहता भाई साहब ये बात उठाओ, उठाए कहाँ, अभी जोन गठित नहीं हुआ, स्टैंडिंग कमेटी गठित नहीं हुई, जो हमारा 1 महीने में 1 हाउस लगता है वो चलने नहीं दिया जाता, क्योंकि केजरीवाल की सरकार जो एमसीडी में कहती थी हम एमसीडी में कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, अब आपके सामने है, जो भी कुछ है आप लोग भी जाते होंगे, आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, स्थिति बहुत विकट है। उसके पीछे कारण क्या है, जो डीबीसी कर्मचारी थे वो परमानेंट नहीं है, उनको हटा रहे हैं। अब जो 5400 कुछ भर्तियां, मतलब जो 5400 कुछ जो पद है वो खत्म कर दिए। आप अंदाजा लगा लीजिए, जो माली रिटायर हो गया उसकी जगह कोई नया माली नहीं, जो गुजर गया उसकी जगह कोई एंट्री नहीं है। पार्कों के रख रखाव की बात करते हैं, 54 लाख पेड़ लगा दिए, 20 लाख पेड़ लगा दिए, पेड़ लगा कहाँ दिए, तुम्हारे से माली भी नहीं है। पर्यावरण दिवस मनाते हैं, अभी समझो ना इस बात को, पर्यावरण दिवस मेरे वार्ड में मुझे बता दो 10-20 पौधे हम लोगों ने लगा दिए होंगे, कहाँ लगाए, क्योंकि कोई ट्री गार्ड इनके पास में नहीं है, ट्री गार्ड की बात करते हैं इनके पास में नहीं है। आखिरकार परेशानी खैर कल की बात बता दूंगा आपको, फिर दोबारा शुरुआत हुए, सदन दोबारा चला। अब ब्रजभूषण यूपी के मंत्री के फिर दिल्ली में एमसीडी में, अरे भाई क्या चाहते हैं, इनका पीछे फोकस क्या है? जो तुमने वादे किए हैं वादे में विफल हो गए। हर बार 20% डिस्काउंट आता था हाउस टैक्स का, उसके बाद में 10% रह जाता था रिबेट, और फिर समय बढ़ाते थे, हम पब्लिक रह गई भाई जी में हाउस टैक्स जमा करेगी, हाँ वो हाउस टैक्स जमा करते हैं, वो खत्म कर दिया, मतलब कोई रिबेट ही नहीं है, कहते हमने बढ़ा दिया। तुम यदि 1 रुपए की जगह 1.25 रुपए का कुछ सामान बेचोगे तो अपना आप दिखाई देगा कि हाँ भाई, वो कहते ईमानदार सरकार, ईमानदार तुम्हारी कहाँ चली गई, लोग बात तय तय कर रही है, अब भी कह रहे हैं जी कुछ डिस्काउंट है क्या हाउस टैक्स में, कोई डिस्काउंट नहीं है। मुकेश जी, ऐसे में सवाल ये नजर दिख भी रहा है कि क्या नाम है दिल्ली, इसका मतलब बर्बादी के कगार पे, अगर इनकी यही सोच रही है दिल्ली बर्बाद तो नहीं होने देंगे, ऐसा मुझे लगता है, सुबह शाम में 6-10 दिन में पास हो जाएगा। इनकी केवल नकेल वही है, यदि जानवर कोई पागल हो जाए तो उसको रस्सियों से बांधना पड़ता है, जंजीरों से बांधना पड़ता है, आदमी कोई मेंटल डिस्टर्ब हो जाए तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है,
वो हमारी दिल्ली में दिल्ली सरकार की स्थिति है, जब तक इसमें अंकुश नहीं लगेगा दिल्ली को तो बर्बाद कर देंगे ये। मुकेश जी, राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें, 2010 के अंदर जब खेल होने थे तो पूरी दिल्ली का विकास हुआ, अब G20 सम्मेलन होने जा रहा है और इस तरीके के ये रवैये चल रहे हैं, तो कैसे डेवलपमेंट? देखिए, जिस आदमी की सोच, इन्होंने ये कहा था कि मैं दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली में रहते हैं क्या? दिल्ली में बाढ़ आ रही थी, अगले बंगलोर ट्रिप पे घूम रहे थे इंडिया। आप समझो उस बात को, हम ये कहते हैं यदि मैं इस वार्ड का पार्षद हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं आसपास के इलाके देख सकता हूँ, जहां हमारा पार्षद भाजपा का पार्षद नहीं है वहां बोलता हूँ भैया कोई दिक्कत हो तो बताइए। यदि मैं गाजियाबाद की बात करने लगू, बिजनौर की बात करने लगू, मेरठ की बात करने लगू, तो अपना वार्ड संभालूंगा या वहां का संभालूंगा? वहां मेरे को सुनने का नहीं, यहां मैं काम करूंगा नहीं, तो स्थिति क्या होगी? मुझे केवल दुख इसी बात का है, जिस काम के लिए हम लोग बने हैं, हम चाहते हैं 24 घंटे पब्लिक का काम करें। आप ये समझिए कि हम लोग, फोन नंबर मेरे शायद आपको पता रखना होगा, मैं जहां भी जाता हूँ ना फोन नंबर देता हूँ। क्यों देता हूँ? आम पब्लिक वाले फोन नहीं होगा किससे संपर्क करेगा? बीच के दलाल को ना कोई मिल जाए, ऐसा ना हो कोई बीच में दलाल बन जाए, क्योंकि लोग कहते हैं MCD बहुत भ्रष्ट है। MCD भ्रष्ट होगी जिसके लिए होगी, जो कुछ काम गलत करते होंगे वो उसके लिए होगी। मेरे वार्ड में आप जा करके सर्वे करिए, 8 महीने हो गए, कहीं कोई विषय जरा सा भी आया क्या? उसके पीछे कारण केवल एक ही होगा कि मैं जब भी जाता हूँ हर हफ्ते कम से कम एक दौरा करता हूँ क्षेत्र का, लोगों के पास जाता हूँ। एक महीने से मैंने शुरू किया है निगम पार्षद आपके द्वारा। वो पूछते हैं चुनाव आ गया क्या? अरे भाई चुनाव नहीं आए हैं, खाली चुनाव के समय हम लोग आए तो फिर हमारी सत्ता तक क्या रह गई? हम ये चाहते हैं हम आपके साथ 24 घंटे खड़े रहे, जिससे कि पब्लिक का भी भला हो और क्षेत्र सुंदर हो, साफ हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान सद्बुद्धि दे अपने केजरीवाल को, जिससे कि MCD में आने के बाद ये स्थिति पैदा ना करें, केवल दिल्ली की बात करें। MCD दिल्ली की है, दिल्ली की जनता के हित के लिए बात करें, तभी हम लोग कामयाब। मुकेश बंसल जी की बात करें तो आज सफेद नेतागिरी ड्रेस में ना होकर के ट्रैक सूट में इसलिए नजर आ रहे हैं कि अभी ये पार्क से आए थे और दौरा करके आए थे, पार्कों की हालत क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, मैं चूंकि लोकल हूं, कहीं बाहर का नहीं, मेरे पास में मोटा मोटी 3 पार्क है, महिला पार्क है, प्रेम चोपड़ा पार्क है और सेंट्रल पार्क है, ठीक है। इसमें चूंकि मैं जाता हूँ, प्रेम चोपड़ा पार्क में हर हफ्ते लगभग जाता हूँ, मैं कोई सही मानो में तो व्यापारी, मैंने अपना भगवान से सेटल कर रखा है, मैं केवल इसी काम के लिए बना हूं। और मैंने कहा भी था पार्टी को, और मैं समझता हूं कि मैं अपने कामों पर खरा उतर रहा हूं। आप क्षेत्र में जाएं, पता लगेगा, कुछ लोग दिखते नहीं है, सोचते मुकेश तेरे पास कुछ काम नहीं है क्या? मुकेश जी वही बात करें, आधार कार्ड और क्या नाम है, वोट जो डिलीट मैं कहूंगा काटी गई है, उसके लिए भी आपने शिविर लगा रखे हैं? जब से मैं जीता हूँ वोट के लिए लगातार अपील कर रहा हूँ लोगों से, बीच बीच में नेट की दिक्कत रहती है, नेट से बोले तो सर्वर की, हमारे यहाँ नेट की नहीं, सर्वर की दिक्कत रहती है। अब एक विशेष अभियान चला रखा है चुनाव आयोग ने, 1 महीने तक BLO घर घर जाएगी और जो डिलीट हुई है उनको बनाएगी। लेकिन अभी पूछते हैं BLO से बात करते हैं, या हमने जैसे अपने यहाँ कार्यकर्ता बैठा रखे हैं, पूरे वार्ड में भी 2-3 जगह काम चल रहा है, ज्यादा शिकायत ये आती है कि अपलोड करते हैं लेकिन बैक मार जाता है, वो दिल्ली के एक साथ खोल दी, उसकी वजह से शायद ओवरलोड होगा। आधार कार्ड आपके सामने है, मैं अब तक हाउस टेस्ट कैंप लगा चुका हूँ, लोन जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत है 10,000 रुपये का लोन वो दिला चुका हूँ, आधार कार्ड कैंप पे 3 बार कैंप लगा चुका हूँ, हाउस टेस्ट का लगा ही चुका हूँ, वोट लगातार बन रही है, जो भी पार्टी और हमारे अंतर्गत काम आएगा, जो पार्टी आदेश देगी वो हर टाइम काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। आपके चैनल से बताना चाहता हूं, कहीं भी कोई भी जरूरत पड़े किसी को भी मेरे लायक, मैं तैयार हूं। और केवल MCD नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र का यदि प्रतिनिधित्व करता हूं, चाहे वो जल बोर्ड का काम हो, चाहे वो PWD का काम हो, चाहे वो सीवर का काम हो, मलेरिया तो MCD में आता ही आता है, चाहे लाइट का काम हो, मैं 24 घंटे आपके साथ खड़ा। तो ये थे हमारे बीच में कर्दमपुरी वार्ड से निगम पार्षद मुकेश बंसल साहब, जिन्होंने सदन की हरकतों के बारे में भी बताया और क्षेत्र में हो रहे कामों के बारे में भी लेखा जोखा जनता के सामने रखा। काम ना होने की वजह से कारण एक ही निकल रहा है कि जो वर्तमान सरकार आई है वो टांग अड़ा रही है। जहां तक सत्यता है जनता जानती है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत TV।